टिड्डी दल का हमला दिल्ली के नजदीक तक जा पहुंचा है। गुरुग्राम में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। गुरुग्राम के कई इलाकों में टिड्डी दल को देखा गया, फसलों से लेकर घरों तक टिड्डियों को उड़ता देखा गया है। गुरुग्राम के दर्जनों गांवों के ऊपर टिड्डी उड़ रहे हैं। वहीं किसान टिड्डियों से बचने के लिए पटाखे फोड़कर, थाली बजाकर, आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के मुताबिक गुरुग्राम में टिड्डी दल फरीदाबाद के अरावली की तरफ से दाखिल हुआ। गुरुग्राम के शहरी इलाके में पौश एमजी रोड पर भी टिड्डी देखे गए और लगातार ये दो तस्वीर आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, गुरुग्राम के फसलों पर अटैक। वहीं फरीदाबाद के रास्ते टिड्डी उड़कर पहुंची है गुरुग्राम, और ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको गुरुग्राम की और फरीदाबाद की दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो टिड्डी है, टिड्डियों का झुंड लगातार राजस्थान में लोगों को परेशान करता रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, वहां पर भी लोग इसे परेशान रहे। प्रशासन ने कई कड़ी मशक्कत की टिड्डियों को भगाने की, लेकिन आप देखिए ये जो झुंड है अभी गुरुग्राम और फरीदाबाद तक जा पहुँचा है, और ऐसे में दिल्ली पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर ये टिड्डी दिल्ली तक पहुँच गए तो सोचिए प्रशासन कि होश पाख्ता हो जाएंगे कि कैसे टिड्डियों से दिल्ली को बचाया जाए। पता नहीं यार। तस्वीरों में देखिए गुरुग्राम की तस्वीर है और कितनी भयावह तस्वीर है ये। टिड्डियों का अटैक हो गया है गुरुग्राम में और लगा कि किसानों को इस वक्त एक उधेड़बुन में है कि कैसे फसलों को टिड्डियों से बचाया जाए, क्योंकि राजस्थान में हम सभी को पता है कि लगातार महीनों से पूरा राजस्थान टिड्डियों के झुंड से, उसके प्रहार से परेशान रहा। वहां के मुख्यमंत्री की विजिट भी हुई लगातार राजस्थान के तमाम इलाकों में जहां पर टिड्डियों का हमला हुआ, लेकिन उसके बाद भी अब देखिए अब ये टिड्डियों का जो दल है ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और ऐसे में गुरुग्राम होते हुए फरीदाबाद के रास्ते गुरुग्राम तक टिड्डी पहुंचा, और ऐसे में दिल्ली पर एक बड़ा खतरा इस वक्त मंडराता हुआ।